हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तो एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच आर डिपेंड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता क्या है बेटा, उसके बारे में बात करते हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस में भी। मतलब सिंपल सा है कि हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए यूज़ करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने सारा ऑपरेशन बताया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। तो ये होता क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वह है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ऑलरेडी फंक्शन डिफाइंड है और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको यूज़ करना चाहें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, तो कैसे करना है। तो पहला तो काम होता है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स निकाला और वैल्यू आ गई मेरे पास ट्वाइज एक्स। और इसके बाद निकालना होता फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, हमें क्या करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को करना होता है जीरो। किस लिए? क्योंकि हमें फाइंड आउट करना होता है फॉर क्रिटिकल पॉइंट। किसके लिए निकालना होता है? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमने इसे जीरो कर दिया तो एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई जीरो। एक्स क्या मिल गया? जीरो मिल गया, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करना होता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। डबल डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास फंक्शन आ गया, वैल्यू क्या आ गया, टू आ गया। अब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इस पॉइंट पर मुझे डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या मिलेगा, विच इज नॉट डिपेंड ऑन एक्स। तो ये तो टू ही मिलेगा, और टू जब मिलेगा तो इसका मतलब ये ग्रेटर जीरो है, और जब ग्रेटर जीरो होता है डबल डिफरेंशिएशन, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब जब भी ग्रेटर जीरो फंक्शन होता है डबल डिफरेंशिएशन, तो उस समय में हमें मिनिमम मिलता है। मतलब वाई की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपको मिलेगा y मिनिमम, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है, इसका बहुत सिंपल सा है कि भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है एक सिंपली ग्राफ जो होता है पैराबोला का होता है, अपवर्ड होता है ये ग्राफ होता है, और ये पॉइंट इसकी मिनिमम आती है, और इसका जो मैक्सिमम होता है वो टेंस टू कहाँ होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इस टाइप से एक बेसिक सब प्रोसीजर है जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अब बात आती है मिनिमम वैल्यू क्या निकालनी, तो मिनिमम वैल्यू हमने क्या निकाल दी, जीरो निकाल दी इसकी, ठीक है। इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे हम लोग, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया गया दैट इज अ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स दिया गया, ठीक है। चलिए भाई, तो बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो जी डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है। फिर से वही कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स वुड भी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ वाई तो है नहीं, तो जी लिख देते हैं। तो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब थ्री टाइम्स कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आ गया, इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस एन माइनस वन। ये आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट आपका, क्या जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। अब अगर क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है तो हम डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, जी डबल डैश ऑफ एक्स कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी सिक्स एक्स आ जाएगी, ठीक है। ये सिक्स एक्स आ गया,
मतलब ये है कि जी डबल डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू है अगर प्लस वन करेंगे तो हमारे पास सिक्स आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन जीरो। और ग्रेटर देन जीरो पे क्या मिलता है आपको, मिनिमम मिलता है एट एक्स इज इक्वल टू वन। एंड जी डबल डैश ऑफ माइनस वन पर अगर चेक किया जाए तो वैल्यू मिलेगी माइनस का सिक्स, विच इज लेस देन जीरो। और इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ओके, नाउ जी मैक्स निकालना है मुझे, तो मैक्स निकालना है तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस वन पुट करना पड़ेगा। तो माइनस वन का क्यूब हो गया माइनस थ्री टाइम्स माइनस वन आ गया, तो वैल्यू आ गया हमारे पास टू। और जी मिनिमम अगर हमें निकालना पड़ा तो जी मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी वन का क्यूब माइनस थ्री, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस टू। तो ये आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व हो रहा है, तो अच्छे से समझते रहिएगा इसे, ठीक है ना। चलिए तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, इसको हम मूव करा देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ओके एक मिनट, ओके तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए। थर्ड जो दिया गया है वो दिया गया है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और एक्स की जो वैल्यू दी गई है वो जीरो से पाई बाय टू दी गई है। ध्यान रखिएगा जीरो से पाई बाय टू ओपन पर है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो पहला काम एच डैश ऑफ एक्स का तो डिफ्रेंशिएट किया, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉज एक्स और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स। इसके बाद की स्टेप होती है एच डैश ऑफ एक्स को करना होता है जीरो, इम्प्लाइज दैट आपको क्या मिल जाएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, मीन्स कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। और जैसा कि आपको मालूम है कि दोनों वैल्यू इक्वल कब होते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 45 डिग्री पे दोनों वैल्यू इक्वल होती है। ओके चलिए तो अब बात करेंगे एच डबल डैश ऑफ एक्स की। एच डबल डैश ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा मुझे, कॉज का माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का कॉज एक्स हो जाएगा। एट एच डबल डैश ऑफ एक्स, एक्स की जो है वो पाई बाई फोर है, तो माइनस वन बाई दो टू आ गया, और ये भी माइनस वन बाई दो टू आ जाएगा, जिससे आपको मिल जाएगा माइनस रूट टू, और ये क्या हो जाएगा लेस देन जीरो हो जाएगा। लेस जीरो का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब पाई बाई फोर पर आपको क्या मिला, मैक्सिमम मिला। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो चलिए तो एच मैक्स निकाल देते हैं। तो एच मैक्स जो होगा वो होगा किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर पर, और ये वैल्यू आएगी साइन एक्स था, फंक्शन क्या था साइन एक्स था, साइन पाई बाई फोर प्लस कॉज पाई बाई फोर। तो ये वैल्यू आ गई वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, और इसे ऐड किया तो वैल्यू आ गई रूट टू। तो एच की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी रूट टू, ठीक है। और इस इंटरवल के अंदर मिनिमम डिफाइन नहीं हो रहा है, तो हम लोग मिनिमम के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है साइन एक्स माइनस ऑफ कॉज एक्स दिया गया, और एक्स की वैल्यू बिलोंग कर दी जीरो टू टू पाई। यहाँ इंटरवल बड़ा हो चुका है तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना है, ठीक है ना। पहली स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स करना है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कॉज एक्स की जगह क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, और कॉज की जगह यहाँ पे प्लस का, देखो ये क्या कर दिया हम लोगों ने, इसे हमें इरेज करना पड़ेगा, ये काम गड़बड़ हो गया। चलिए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉज एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। तो पहला काम क्या होता है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू करनी होती है जीरो।
अगर ये जीरो हो गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉज एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू हो गई जीरो, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉज एक्स की वैल्यू हो गई माइनस का साइन एक्स। और ये वैल्यू कब इक्वल होती, ये वैल्यू होती है इक्वल एक्स इज इक्वल टू, आपको मालूम होगा 3π/4 पर, क्योंकि वहाँ पे कॉज एक्स की वैल्यू नेगेटिव होते तो साइन एक्स पॉजिटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज अ 7π/4, ठीक ना, 2π-π/4। ये दो पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वाड्रेंट्स लेने हैं मुझे जहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। आपको मालूम होगा यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो कॉज नेगेटिव होता है, और यहाँ पे कॉज पॉजिटिव होता है और यहाँ साइन नेगेटिव होता है। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो हमें इस कंडीशन को लेना है और इस कंडीशन को लेना है, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे वापस डबल डिफ्रेंसिएशन की। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा और प्लस साइन का कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3π/4 एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, 3π/4 पर वैल्यू होती -1/√2 और कॉस की वैल्यू -1/√2, दैट मीन्स -√2 और विच इज लेस देन 0, एट दैट पॉइंट वी गेट मैक्सिमम वैल्यू। और एफ डबल डैश एट एक्स इज इक्वल टू 7π/4 पे अगर चेक किया जाए तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स देखे तो साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा, और कॉज जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है तो 1/√2 हो जाएगा, वैल्यू √2 आ जाएगी, वैल्यू ग्रेटर 0 मतलब मिनिमम मिल जाएगी, ओके। तो एफ हमें निकालना है, देखो तो हमें पॉइंट्स मिल गए यहाँ पर, यहाँ पे मुझे पॉइंट्स डिसाइडेड हो गए कि इस पॉइंट पे आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है ना, और इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा मिनिमम। तो एफ मैक्स निकालना है मुझे, तो एफ मैक्स निकालने के लिए मुझे किस पॉइंट की जरूरत रिक्वायरमेंट है, 3π/4। तो साइन एक्स में पुट किया तो 3π/4 का मतलब हो गया 1/√2 और माइनस से माइनस प्लस होगा 1/√2 और वैल्यू आएगी इसकी √2, ठीक है। और एफ मिनिमम अगर हमें चाहिए तो एफ मिनिमम क्या आएगा, 7π/4 पर -1/√2 और ये माइनस से माइनस 1/√2 और ये वैल्यू हो जाएगी -√2, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम निकल आता है। आई होप को कुछ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चलिए तो इसका पार्ट है फिफ्थ। अब फिफ्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स क्यूब -6x² + 9x + 15 दिया गया है। तो सिंपल सा काम वही है कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला काम डिफ्रेंशिएट करना है, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x² - 12x + 9, ठीक है। फिर से वही स्टेटमेंट लिखनी है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स शुड बी 0, तो यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 4x + 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। इसको फैक्टर किया तो x - 3 आ जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट x = 1 एंड 3।
हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। नाउ एफ डबल डैश ऑफ एक्स करना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स कर दिया तो वैल्यू आ गई 6x-12। नाउ एफ डबल डैश ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1.1 मिला हुआ है तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6 विच इज लेस देन 0। लेस 0 क्या दिखाता है? मैक्स दिखाता है। और एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जगह हमने लगा दिया 3, दिया जाएगा 18-12 इज इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट आ जाएगा मिनिमम के लिए, ठीक है ना। मतलब 1 आपको शो करेगा क्या मैक्सिमम और 3 शो करेगा मिनिमम। अब हमें वैल्यू निकालनी है तो एफ ऑफ मैक्स अगर निकालना है तो मैक्स निकालने के लिए एक्स के लिए पुट करना है 1। तो देखिएगा फंक्शन ये है हमारे पास, फंक्शन क्या है ये है। तो इसके लिए एक्स के लिए 1³ - 6×1² + 9×1+15 ये हो गया 1-6+9+15 तो ये हो जाएगा -5+15+10, 10+9, 19 आ जाएगा। और वाई मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो 3 पुट किया तो 3³ - 6×3² + 9×3+15 तो चेक कर लिया जाए ये हो गया 27-54+27+15 कैलकुलेट किया जाए तो वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो मैक्सिमम मिलेगा एफ मैक्स मिला वो क्या मिल गया 19 और एफ मिनिमम जो मिला वो मिल गया आपको 15। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5th भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, पेज ऐड करना होगा। तो पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है ओके। तो क्वेश्चन हमारे पास हो गया 6th नंबर, ठीक है। क्वेश्चन हमें करना है 6। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दैट इज अ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 प्लस 2 बाय एक्स और एक्स जो है वो पॉजिटिव है। सिंपली हमको एक चीज पता है कि अगर x प्लस 1 अपॉन x कोई सिस्टम होता तो वो वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 होती है। तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू 2 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के दोनों रेसिप्रोकल है। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वो मिनिमम आ जाएगा और मैक्सिमम अप टू इन्फिनिटी होता है। तो 2 इसका मिनिमम वैल्यू है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो पहला काम जी डैश ऑफ एक्स करना है, तो जी डैश ऑफ एक्स करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 - 2/x² आ जाएगी, ठीक है। चलिए इक्वल टू 0 करते हैं फॉर मैक्स और मिनिमा जी डैश ऑफ एक्स शुड बी 0। तो यहाँ पे आएगा 1/2 - 2/x² इज इक्वल टू 0। सो 1/2 = 2/x². सो x² इज इक्वल टू 4, सो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। नेगेटिव वैल्यू लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है पॉजिटिव वैल्यू। तो x की तो क्या आ गई, 2 आ गई थी, क्यों एक पॉइंट आया है। अब बात करते हैं जी डबल डैश ऑफ x की, डबल डिफ्रेंशिएट कर, इस फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो यह आएगा प्लस का 4/x³ आएगा और जी डबल डैश ऑफ एक्स के तो क्या आई है, 2 आई है। 2 पे चेक कर लीजिए तो 4/ आपके पास हो जाएगा 8 विच इज़ ग्रेटर 0। मतलब आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। मिनिमम कितने किस पार्ट में मिलेगा, एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो जी मिनिमम आपको निकालना है, मिनिमम किस पॉइंट पर, 2 पर। तो एक्स की देखिए फंक्शन ये है आपका, तो यहाँ मिलेगा 2/2 + 2/2 मतलब वैल्यू 2। और यही बात हमने पहले भी कही थी कि
ये जो वैल्यू होती है ये मिनिमम 2 होती है, और इस टाइप से आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर जो आएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर दिया गया है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² + 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर अगर इसकी मिनिमम वैल्यू मालूम हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू होगी इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, तो उस केस में ये मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, और इस केस में मैक्सिमम कहाँ होगी, इनफाइनाइट होगी। तो अब भी इसी बात, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं जी मैक्स जो होगा, मैक्स कब होगा, जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। मैक्स क्या होगा, इसका 1/2 होगा, और जी मिनिमम जो होगा वो जो होगा टेंस टू इनफाइनाइट पर होगा, और ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को करना क्या है, प्रोसीजर फॉलो करना है। तो जी डैश ऑफ एक्स निकालना है, तो जी डैश ऑफ एक्स निकाल देते हैं, डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, -1/x² + 2² आएगा। इज इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है, इज इक्वल टू 0 करना है। तो जनरली क्या होगा कि यहाँ पर जो 0 होता है ये होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती है। तो हमें फॉर मैक्सिमम में क्या करना है, 0 करना है। तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, टेंस टू इनफाइनाइट होगी, तो ये वैल्यू 0 होगा, अदरवाइज तो 0 हो ही नहीं सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है कि ये डिफाइंड कब नहीं होगा, जब ये 0 होगा, और ये 0 हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेना चाहिए कि भाई जी मैक्सिमम। तो देखो जी मैक्स हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली कि जी मैक्स क्या है, 1/2 है, और मिनिमम क्या है, टेंस टू 0 है। तो ये जो वैल्यू होगी वो वैल्यू बिलोंग करेगी, जी की जो वैल्यू बिलोंग करेगी बिलोंग्स टू 0 to 1/2, ये इसके बीच में लाई करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस को कुछ डायरेक्ट भी कर लेना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है, दैट इज x√1 - x दिया गया है, और एक्स की वैल्यू जो है वो बिलोंग कर रही 0 to 1 के बीच में। ठीक है, अब 0 to 1 के बीच में बिलोंग करती है, तो हम लोग को इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी जो डोमेन है वो 0 से 1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, क्योंकि एक्स की तो 1 से छोटी होगी, ठीक है, एक्स की तो 1 से छोटी होगी, क्योंकि 1 से बड़ी होगी तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है देखते हैं भाई, डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। एफ डैश ऑफ एक्स किया तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई, x कांस्टेंट हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आएगा -1/2√1 - x आ जाएगा, और प्लस जब इसे कांस्टेंट रखा है x को डिफ्रेंशिएट किया तो काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसका एलसीएम ले लिया तो ये वैल्यू आ गई -x + 2 ((1 - x) आ गया, डिवाइड बाय आएगा 2√1 - x हो गया। इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है, किस लिए, क्योंकि हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा।
आप अगर देखें न्यूमरेटर की वजह तो माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो है, मतलब x की जो वैल्यू आएगी 3/2, मतलब ये वैल्यू आएगी 2/3, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे जीरो पे डिफाइन, वन पे डिफाइन नहीं होगा क्योंकि वन तो हमें लेना नहीं है, इसलिए x की क्या आ गई 2/3 आ गई। अब बात करेंगे f डबल डैश ऑफ x की, तो f डैश ऑफ x जो दिया गया है वो है हमारे पास कितना दिया गया भाई, 2-3x है डिवाइड बाई 2√1-x² है, x है, डिफ्रेंशिएट करना है, डबल डिफ्रेंशिएट करना, तो f डबल डैश x की जो वैल्यू आ गई वो डिवाइड बाई 1/2 को बाहर रख लिया हमने, इसको किया तो ये आएगा 1-x आ जाएगा, यहाँ वैल्यू आ गई √1-x हो गया, इसे डिफ्रेंशिएट किया तो -3 आ जाएगा, माइनस ऑफ 2-3x कॉन्स्टेंट हो गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है भाई। अब एट एक्स इज इक्वल टू 2/3 अगर देखें तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये पार्ट हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे एक्स के अगर 2/3 लगा दिया आपने 2/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी -3/2 अंडर रूट के अंदर 1-2/3, और ये वैल्यू आ गई 1-2/3। अब बीच की बात है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो ये वैल्यू निगेटिव हो गया, तो क्या मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम मिल जाएगा। तो मतलब एक्स की वैल्यू जब 2/3 है तो वैल्यू क्या मिल रही है आपको, मैक्सिमम मिल रही है। तो एफ मैक्स निकालना है आपको, एफ मैक्स किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू 2/3, और 2/3 पे वैल्यू आएगी 2/3 √1-2/3, तो हो गया 2/3, और ये √1/3, मतलब हो गया 2/3√3। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।